कोविड और महंगाई के दबाव में खाद्य तेलों का आयात 6 साल में सबसे कम रहने की आशंका। इस साल 1 लाख टन की गिरावट के साथ 1.31 करोड़ टन के आयात का अनुमान। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फिर से बहाल हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सितंबर में दोबारा शुरू होगी बातचीत। अगस्त में नौकरियों के मिलने की रफ्तार के 89% बढ़ने का दावा। जॉब स्पीक के मुताबिक अगस्त 2019 से भी 24% ज्यादा है आंकड़ा। टाटा ग्रुप बनी मिलिट्री एविएशन से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली देश की पहली निजी कंपनी। एयरबस के साथ मिलकर भारत में बनाएगी नए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। गोल्डमैन, सिटी ग्रुप और नोमोरा समेत LIC के IPO के लिए 10 मर्चेंट बैंकर्स के नाम तय। SBI कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल भी शामिल। शेयर बाजार की तेजी ने SIP निवेश में किया जोरदार इजाफा। अगस्त में रिकॉर्ड 9,923 करोड़ रुपए हुए इन्वेस्ट। IPO लाने की योजना को रफ्तार देगी बायजूस। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आ रही है तेजी ने बढ़ाया कंपनी का उत्साह। भारतीय फिनटेक बाजार के 2025 तक 3 गुना बढ़ने का अनुमान। डिजिटलाइजेशन की तेज रफ्तार के असर से 6,20,000 करोड़ का हो सकता है आकार। हाइपर फंड जैसी पॉन्जी स्कीम से निवेशकों को सावधान रहने की हिदायत। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से DEFI पर निगरानी। फ्लिपकार्ट के स्मार्टफोन्स कार्निवल सेल में iPhone 12, 11 और XR पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट। सेल में 9,500 रुपए है स्मार्टफोन्स की शुरुआती कीमत।